13 अप्रैल यानी कल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन के निर्यात में अच्छे प्रदर्शन के कारण अप्रैल में उत्पादों का निर्यात बढ़कर 40.2 अरब डॉलर हो गया है। इस अवधि में देश का व्यापार घाटा बढ़ाकर 20.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश में अप्रैल महीने के दौरान निर्यात 31% बढ़कर 40 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही आयात में भी जोरदार इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन के निर्यात में अच्छे प्रदर्शन के कारण अप्रैल में उत्पादों का निर्यात बढ़कर 40.2 अरब डॉलर हो गया है। इस अवधि में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 20.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 15.29 अरब डॉलर था। वहीं आयात की बात करें तो ये भी 30.97% के इजाफे के साथ उछल कर 60.3 अरब डॉलर पर ये पहुँच गया है। तो ये थी बात निर्यात की कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन के जो निर्यात में है उसमें जो अच्छा प्रदर्शन के कारण अप्रैल में उत्पादों का जो निर्यात है वो बढ़कर 40.2 अरब डॉलर हो गया है। और वहीं इस अवधि में देश का जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़कर 20.11 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।